एक रागनी सजनों, राजा मोर ध्वज के इतिहास से और सजनों मौका भी उस समय से होगा। भाई सुनने की बात है कि जिस समय श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों साधु का भेष धारण करके और साथ में एक माया रूपी शेर को लेके राजा मोरध्वज की नगरी में आते हैं। राजा मोरध्वज से कहते हैं कि राजन, आपके दरबार में आए हैं, आपकी बड़ी महिमा सुनी है कि आज तक आपके दर से कोई खाली हाथ लौट के नहीं गया। राजा सजनों दोनों साधुओं के आगे झुक जाते और कहते हैं, महाराज साधुओं तुमने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है, आज तक इस मोरध्वज के दरबार से कोई निराश होके नहीं लौटा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम मांगोगे इस दरबार में तुम्हें वही चीज मिलेगी। जब इतनी बात राजा मोरध्वज ने कही सजनों, तो साधु कहते हैं कि राजन ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए चाहिए, खाना चाहिए, दो हम साधु हैं और साथ में हमारा शेर है। जब इतनी बात साधुओं ने कही सजनों, राजा मोरध्वज हंसने लगते हैं और कहने लगा कि मैंने एक वचन दिया था कि जो मांगेगा वही मिलेगा और आपने सिर्फ भोजन मांगा। तो सजनों साधु कहते हैं कि साथ में हमारा शेर भी है और सजनों कहता है राजा कि जो मांगेगा वो मिलेगा, तुम तो भोजन की बात करते हो। जब इतनी बात कही तो साधु कहने लगे, राजा आगे की बात सुनिए, हमें तो भोजन चाहिए लेकिन साथ में इस शेर को भी चाहिए और ये ऐसा वैसा भोजन नहीं करेगा, इसे तुम्हारे बेटे धीरध्वज का मांस चाहिए। जब इतनी बात साधु ने कही सजनों, राजा दो कदम पीछे हटा और सजनों एकदम ते आंखा में ते पानी चल पड़ा और विचार करने लग गया कि मैं जिन साधुओं को भोला भाला समझे था वो इतने तेज निकलेंगे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कहने लगे कि राजा उसमें दो शर्त होंगी, पहली शर्त तो ये कि धीर ध्वज को उसके मात पिता काटेंगे, राजा मोर ध्वज और रानी विद्याधरणी अपने हाथों से काटेंगे, और दूसरी शर्त ये अगर काटते वक्त राजा रानी के अगर किसी के आंख में आंसू की एक बूंद भी बाहर निकली तो शेर उस मांस को देखे तक नहीं गा, खाना तो दूर की बात है। सजनों वचन का पक्का था, अपने बेटे की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है, खाते के यहां से आरा मंगवाया जाता है, दरबार के बीचों बीच धीर ध्वज को बैठा दिया, एक तरफ से आरा रानी ने पकड़ा, एक तरफ से राजा ने पकड़ा। और उस समय का पंडित मांगे राम ने सजनों वर्णन लिखा, एक एक बोल सुनने आले, अरे क्या लिख दिया, पे टेक दिया और चलावे
महाप्रतापी राजा ने इस देव धर्म की ताणी धर्म की चाहे सजनों राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, ममता सबके अंदर होती है। ममता तो राजा रानी के अंदर भी थी और सजनों उनका के जिक्र करया। रानी सोचन लगी कि आज तो पहले 56 प्रकार के भोजन तैयार करे, लेकिन ऐसा भोजन तो मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी बार बनाया है। क्या कहती है समझ के दिल ना हल्या, धर्म समझ के दिल ना हल्या, ध्यान रहे गया रहूं मैं राजा रानी दोनों आके के कोन्या फिकर जिगर में पहला भोजन पढ़ाया मन अपनी जिंदगी भर में जानूंगी मेरा पूत ना होया कई करके बैठ सबर में जय शिव हरे राम जी हाँ जय शिव हरे राम जी या निकड़े धर्म की
सजनों, जो कृष्ण के सामने अर्जुन दावा करता है कि मेरे से बड़ा भगत नहीं है, और जब अर्जुन ने दरबार में नजारा देखा क्या कहता है सजनों, क्या हाल लिखा अर्जुन का, कृष्ण के संग अर्जुन भी, कृष्ण के संग अर्जुन भी चलता चलता आवे, कदे न्यून सी गिरता फिरता आवे, बड़ा भगतियो तेरा बड़ा भगत न्यू करता करता आवे, आता धड़ तक चीर लिया बाकी चिरता चिरता आवे, इसे भगत की दुनिया के माँ के, इसे भगत की दुनिया के माँ या हो जा चार कहानी, माँ पर तपी राजा ने किसी देव धर्म की तान, हो माँ पर तपी राजा ने किसी देव धर्म की तान, चार लाइन कवि ने उस राजा के बारे में लिखी सजनों, चाहे कितना ये बड़ा महात्मा हो लेकिन जब बात औलाद की आती है तो इंसान कभी समझौता नहीं करता, तो कवि ने उस राजा के बारे में चार लाइनों में क्या लिख दिया, मांस की बोटी अलग गिना दी उन्हें अपने बेटे की, मांगे राम धर्म पे अड़ गया लोग, मांगे राम धर्म पे अड़ गया या बात सोच ली जानी, मां पर तपी राजा ने इसी धर्म की तार, ओ, 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 माँ पर तपी राजा ने इसी तेग धर्म की तार, केरा आरा सर पे